भी मुफ्त नहीं है। आपको लगता है कि मैंने पैसे नहीं दिए, मुफ्त में मिल गया, पैसे तो नहीं दिए लेकिन उसके बदले में आपने अपना भाग्य दे दिया उसको। आपको पता नहीं है लेकिन आपकी किस्मत से भाग्य का उतना हिस्सा कट करके उसके पास चला जाता है। इसीलिए बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि मुफ्त का भोजन मत करो, मुफ्त में चीजें मत लो। अगर आप निर्धन हैं, मजबूरी है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप सामान्य स्थिति में हैं तो मुफ्त की वस्तुएं मत लीजिए, वरना उसके बदले में आपका भाग्य चोरी होगा। कैसे होता है देखिए, जब आप किसी से मुफ्त में कपड़ा लेते हैं, किसी के ऊपर दबाव बनाकर, किसी की कपड़े की दुकान है, आपने अपनी ठसक दिखाकर, अपना रुआब दिखाकर मुफ्त में कपड़ा ले लिया, तो ले लीजिए मुफ्त में कपड़ा और बदले में आपका भाग्य चला जाएगा। अगर आप किसी से मुफ्त में खाने पीने की चीजें लेते रहते हैं, देखिए आपका मित्र है, आपको कभी भोजन करा देता है, खाने पीने की चीजें देता है, तो आप भी कभी उसको भोजन करा दीजिए, तो इससे ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मुफ्त में दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर, अपने काम की धौंस दे करके आप मुफ्त में खाने पीने की चीजें लेंगे, अच्छा नहीं होगा। जब आप बिना किसी पारिश्रमिक के किसी की सेवाएं लेते हैं, आपको पता है कि वो नाई है, वो बाल बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, आप उनके यहाँ जाते हैं, पैसे नहीं देते। कोई कपड़ा धोने वाला है, उसकी सेवा ली, उसको पैसे नहीं दिए। कोई डॉक्टर है, आपको परामर्श दे रहा है, उसको पैसे नहीं दिए। तो अगर आप बिना पारिश्रमिक के सेवाएं लेते हैं तो लेते रहिए। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको लगता है कि मुफ्त में मिल गया लेकिन उसके बदले में आपकी किस्मत चली जाएगी, क्योंकि उस चीज को लेने के साथ आप अपना उतना भाग्य उस व्यक्ति को दे देते हैं। इसीलिए भैया, जब भी कोई चीज लीजिए तो जितना उसका मूल्य है उसका भुगतान करिए। और अगर आप बहुत निर्धन हैं तो यथाशक्ति जितना कर सकते हैं उतना मूल्य भुगतान करिएगा। और मान लिया गलती से कभी ऐसा हो गया, कहीं सेवा ले ली, कहीं खाना खा लिया, पैसा नहीं दे पाए, भूल गए, भूलवश ऐसा हो गया, तो किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का और धन का दान करिए। किसी गरीब व्यक्ति को अगर अन्न का और धन का दान करेंगे तो गया हुआ भाग्य वापस आ जाएगा। और जब आपका गया हुआ भाग्य वापस आएगा तो आप जीवन में इम्प्रूवमेंट देखना, जीवन में सुधार देखना शुरू कर देंगे।